हाय फ्रेंड्स, मनी मेकर 2307 में आपका बड़े दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले अदानी एंटरप्राइज शेयर के बारे में। दोस्तों, क्यों आज ये 5% के आसपास गिर चुका है, इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे, तो वीडियो में आगे बने रहिएगा। और जो लोग नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, आप ही का चैनल मनी मेकर 2307 है। जैसे कि देख सकते हो आप, 2401 पे ट्रेड करता हुआ आज लास्ट देखने को मिला है, और साथ ही साथ आपका क्लोज होते होते आपका -4.31% में आपका बंद हुआ है। तो किस लिए ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव न्यूज़ था नहीं। और ये इसका जो दो दिन पहले सैटरडे को जो न्यूज़ आया था अदानी ग्रुप के चेयरमैन की तरफ से कि अदानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है ट्रेनमैन को और स्टैक एंटरप्राइज जो भी आपका हो, तो ट्रेनमैन एक पोर्टल है जिसके थ्रू आपका IRCTC और रेलवे टिकट बुक किया जाता है। जैसे कि हम IRCTC के साइट पर जाके डायरेक्ट बुक कर सकते हैं, वैसा ही एक पोर्टल है जो IRCTC से कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि इंडियन रेलवे IRCTC को पूरा ऑथोराइज किया गया है रेलवे टिकट बुक करने के लिए। क्योंकि काउंटर से आप टिकट ले सकते हो, उसमें IRCTC को कोई कमीशन नहीं मिलेगा। और अगर आप डायरेक्टली आप काउंटर से, रेलवे काउंटर से अगर आप टिकट नहीं ले रहे हो, तो कोई भी ऐप अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उस ऐप के थ्रू वो एक्चुअल में वो ऐप आके आपका IRCTC साइट में ही आएगा। एक्चुअल में उस ऐप IRCTC के साइट से ही कमीशन लेगा कि देखो मेरे थ्रू कस्टमर आपके पोर्टल में आ रहा है तो आप मुझे कुछ कमीशन दो। तो इसी हिसाब से क्या है कि ट्रेनमैन भी ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है जहां अदानी ग्रुप ने, गौतम अदानी सर ने एक्वायर किया है सैटरडे को और 100% पूरा एक्वायर कर लिया है। और इसमें क्या है कि IRCTC के साथ मिल के आपका IRCTC ट्रेनमैन को कुछ कमीशन देना पड़ेगा। अब क्या है कि ट्रेनमैन आपका ट्रेनमैन थ्रू जो बुक हो रहा है IRCTC कुछ कमीशन दे रहा है, साथ ही साथ कोई नेगेटिव न्यूज़ है नहीं है, ये ऑपरेटर का पूरा गेम है कि आपका माल को सकते हुए एक सही पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद भी आपका थोड़ा माल आपका रिटेल इन्वेस्टर को डरा के यहाँ से माल, क्योंकि एक तो आपका सब कुछ पॉजिटिव आ ही रहा है, 14 अगस्त को आपका देखा जाए तो आपको सेबी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए जमा करेगा और 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई है अदानी ग्रुप का, और उसमें अगर क्लीन चिट पक्का मिलने ही वाला है तो उसके वजह से आपका एक पॉजिटिव माहौल बनेगा, उसमें से आपको 30-40% मिल जाएगा। साथ ही साथ ट्रेनमैन का भी न्यूज़ आया हुआ है, तो ट्रेनमैन का न्यूज़ आते ही ट्रेनमैन का भी एक्वायर न्यूज़ को ये पॉजिटिव है, ना कि इसको मार्केट नेगेटिवली नहीं लिया है, क्योंकि अगर नेगेटिवली लेता तो खुलते ही ये डाउन चला जाता। और दो दिन टाइम था, बहुत ज़्यादा टाइम था, दो दिन में सारे लोग समझ जाता कि हाँ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और कोई कंपनी का शेयर एक्वायर किया है 100% तो वो नेगेटिव न्यूज़ नहीं हो सकता है, वो पूरा के पूरा 100% है। और बिल्कुल मत घबराइए जो लोग अदानी ग्रुप का, ये इसी वजह से थोड़ा सा गिरा है क्योंकि आपको अभी IRCTC को अभी नया आपका एक्वायर किया है ट्रेनमैन का पोर्टल को, और अदानी ग्रुप को अभी IRCTC को कमीशन देना पड़ रहा है, IRCTC को कमीशन देना पड़ रहा है कि हाँ अभी हम हमारे थ्रू आपका पोर्टल में बुक होगा, तो इस वजह से IRCTC थोड़ा सा कमीशन ले रहा है और ये थोड़ा सा आपका टैक्स बढ़ा के कमीशन ले रहा है, इस वजह से आपको थोड़ा सा आपका गिरावट देखने को मिला। और साथ ही साथ ऑपरेटर भी गेम चल दिया, बाकी आप देख सकते हो कि यहाँ से गैप आप ओपनिंग होके आपका ये स्टॉक जो है आपका 2800 के आसपास गया था, यहाँ से जो गैप आप ओपनिंग हुआ था तो ये गैप फिल करने के लिए आया हुआ है, कुछ नहीं, कल फिर से यहाँ से पॉजिटिव एक मूव आएगा, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। तो यहाँ गैप अप ओपनिंग होके चला गया था, कोई भी स्टॉक गैप अप गैप डाउन ये सब गैप छोड़ के आपका कभी भी ट्रेडिंग नहीं करता है, तो ये गैप अप होने के वजह से आपका ये गैप फिल करने स्टॉक आया है। और आज थोड़ा सा आपका कमीशन भी देना पड़ा IRCTC को, और IRCTC और ट्रेनमैन दोनों आपका कोई कंपटीशन नहीं है दोनों में, अगर कोई बोल रहा है कि कंपटीशन है तो कोई कंपटीशन नहीं है, दोनों पार्टनर है, दोनों पार्टनरशिप में काम करेगा। IRCTC मेन पोर्टल है इंडियन रेलवे का टिकट बुक का, और ट्रेनमैन एक पोर्टल है जिसके थ्रू आपका कस्टमर आएगा IRCTC के साइट में आके आपका ट्रेन टिकट बुक करेगा, तो यहाँ से आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। और कल ही दिन आपको देखने को मिलेगा एक पॉजिटिव आपका एक मूव ऊपर की तरफ, और आपका नेक्स्ट जो सपोर्ट है, जो बहुत ज़्यादा आपका तगड़ा सपोर्ट है, वो 2318 रुपये है। 2318 रुपये के ये सपोर्ट मेरे ख्याल से नहीं टूटने वाला है, कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं है जो 2318 के सपोर्ट को आपको ब्रेक करने वाला है नियर टर्म में, ऐसा नहीं है। और अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोलोगे तो वो 2000 के ऊपर, 2000 का लेवल है,
2000 का लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग सपोर्ट है, और मुझे नहीं लगता है कि ये स्ट्रांग सपोर्ट में आपको आता हुआ दिखेगा। अभी नियर टर्म में जो सपोर्ट है 2318, यही आपका सपोर्ट का काम करेगा। और आने वाला टारगेट, जैसे जैसे मैंने बताया कि ये लेवल जो आपका ये लेवल है 2986 का, 2986 का लेवल क्रॉस होते ही आपको एक अच्छा खासा बुल रन स्टार्ट होने वाला है। और ये स्टार्ट होगा आपका अगस्त में, जब सेबी का रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपको सुप्रीम कोर्ट में आएगा और सुप्रीम कोर्ट से इसको बाइज्जत मिल जाएगा। तो उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे फिर से 10-20% का सर्किट देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में है तो अपर सर्किट ज़्यादा देर तक काम नहीं करेगा। तो इसी वजह से आपको 20% मोर देन 20% भी एक दिन में आ सकता है। और यहाँ से आपका फिर से एक मौका मिला है, जो लोग बाई नहीं किए हो और अच्छा स्टॉक को मिस किए हो अदानी ग्रुप का, तो और भी नीचे के लेवल में मिल रहा है, तो आप बाई करके चल सकते हो। तो और वीडियो एनालिसिस अच्छा लगे और इन्फॉर्मेशन अगर सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।